माननीय सदस्य श्री संग्राम जी जिला उद्योग अधिकारी जी, श्री बी आर देवासी जी साइंटिस्ट राव भाटा, श्री बहन मंजू देवी मंजू देवासी तहसीलदार गोई, डॉक्टर सरिता जी साइंटिस्ट भूजल बोर्ड, डॉक्टर सुमित्रा जी साइंटिस्ट काजरी, डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर साहब पांचाराम जी, आदरणीय वागाराम जी, श्री विजेंद्र जी, मांगाराम जी, वीडियो साहब रानीवाड़ा, त्रिकमाराम जी, डॉक्टर साहब सांगाराम जी, प्रोफेसर साहब श्री ओम प्रकाश जी और मंच पर विराजमान सभी महानुभव और इस प्रांतीय सम्मेलन में राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी सुभाष बंधु बहनों भाइयों विद्यार्थी आप सबका मैं इस मंच की ओर से व्यक्तिगत और समाज की ओर से आप सबका तहे दिल से नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मुझे जो प्यार और समय के साथ बुलाया उसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि ये कार्यक्रम दो दिन से चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने हमारे समाज से रिलेटेड बहुत सारी बातें कही है और मैं समझता हूँ कि मैं जो बातें करने जा रहा हूँ वो भी आपने किसी न किसी तरीके से कही है, तो कुछ हो सकता है नई बात नहीं हो बट आप ही की बात है, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। पुनः इस आज के जिस धरती पर हम खड़े हैं उस धरती के वीर श्री उगम जी को हम नमन करते हैं, आदरणीय हमारे भोपाल बाजी को नमस्ते कर नमन करते हैं, श्री बैसला साहब को नमन करते हैं और इस मारवाड़ की दरिया पर जो राती पूरी ऊँटनियों को लाने का श्रेय है ऐसे श्री पाकू जी राठौड़ के साथी भड़मल जी को हम नमन करते हैं और इसी धरा पर मारवाड़ की तत्कालीन प्रशासनिक सेवाओं में गरबाइयों को स्थान दिलाने वाले श्री आशु जी पेवाला को नमन करते हैं। इसी कड़ी में हम राघो जी को नमन करते हैं, सुल्तान जी को नमन करते हैं। जोधपुर के लोग हैं वो सब जानते होंगे कि सुल्तान जी कौन थे, राघो जी कौन थे, जसवंत सिंह जी के टाइम में वीर जी कौन थे, देदा जी कौन थे, पर बाकी सब हम दूर के हैं थोड़े जोधपुर से, तो हमको ये सब यहाँ का आइडिया नहीं है इतना, बट फिर भी यहाँ वालों को तो आइडिया ही होगा कि आशु जी के बाद में जो परंपरा उन्होंने रखी और जोधपुर में जो प्रशासनिक सेवाएं होती थी उस जमाने में उसमें किस प्रकार से हम आगे बढ़े, फिर हम राजस्थान की दूसरी रियासतों में कैसे फैले, फिर हम मुगल बादशाह अकबर के वहाँ एक सूत्रखाना था उसके प्रभारी बने, आगरा में हमको किस टाइप से जगह मिली, जामनगर वडोदरा बीकानेर और पंजाब, यहाँ सबसे ये आशु जी की देन थी कि उसके बाद में हम यहाँ से जहाँ जहाँ फैल रहे हैं। तो आपको कभी कभी लगता है कि यहाँ तो 5 घर ही क्यों हैं, 100 घर ही क्यों हैं, 200 घर क्यों हैं, ये वो आशु जी के ज़माने से भिन्न भिन्न राजघरानों में हरबारी को उत्तरदायित्व निभाते थे। उस जमाने में एक गुप्तचर व्यवस्था हरबारियों के हाथ में हुआ करती थी, बहुत बड़े इंटेलिजेंट विंग के हेड हरबारी हुआ करते थे, डाक हरबारी के पास में था और ऊंट चरवा जो चरवा की व्यवस्था है उसके भी तनी दोरी हरबारी होते थे, ऊंट को किस गति से और किस तरीके से चलाना है कि वो रातों रात जैसलमेर से जालौर पहुंच सके और ये काम केवल रबारी कर सकता था, इसलिए सुंदर रायिका को ये प्रभार दिया गया था। जालौर में एक सुंदर ला तालाब है उन्हीं के नाम पर है। तो ये तो हमारी इतिहास की बहुत सारी बातें हैं जो हमको सबको याद भी रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि हमको इतिहास के बारे में छोटी मोटी एक संक्षिप्त जानकारी रखनी चाहिए, फ्यूचर में हमको क्या करना है, आज की स्थिति हमारी क्या है, कल की क्या होगी, क्या करना चाहिए उस पर हमको जरूर विचार करना चाहिए, पर हमारा जो पास्ट क्या था, कल क्या थे हम, परसों क्या थे, तरसों क्या थे, वो भी हमको याद में रहे। तो हमारे जो 99% है हम सरकारी कर्मचारी, 1000 पर एक भी नहीं है हमारी आबादी के, ऐसा नहीं है कि हमारी 100 पर हम एक है, वो भी नहीं है,
हम हजार प्रति एक नहीं है। जो लास्ट एफिडेविट 2007 में आरपीएससी ने दिया था उसमें हम 0.15 थे 100 पर, तो हजार पर एक आए हैं। ठीक वैसे हमारी लिटरेसी में भी कोई ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। मैं इन सब बिंदुओं को एक इसमें अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों के बारे में बोलना चाहूँगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, फिर हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और उसके बाद में हम हर साल दुनिया सब जगह हम सामाजिक समारोह आयोजित करते हैं, उसको हम और कितना प्रासंगिक बना सकें, शिक्षा के हिसाब से उसको कितना मजबूत किया जा सके, और उसमें जो संसाधन है उसको आप मोबिलाइज कैसे करें कि जिससे कि एजुकेशन पर हमारा ज़्यादा जोर पड़े और हमको आउटपुट अच्छा मिले। फिर बदलाव के दौर में हमारी क्या भूमिका हो, और पिछड़ेपन पर बहुत सारे विद्वानों ने हमारे बारे में बहुत अच्छा लिखा, समाजशास्त्रियों ने बहुत अच्छा लिखा, मानव शास्त्रियों ने बहुत अच्छा लिखा, राजनीतिज्ञों ने अच्छा लिखा, कमीशन बैठे जितने भी भारत सरकार के राजस्थान सरकार के उन्होंने सबने अच्छा लिखा है। बस हमको ये सारे जितने भी बैठे समाजशास्त्री और मानवशास्त्री इतिहासकार जिन्होंने अच्छी बातें हमारे बारे में लिखी है उसको भी हम एक जगह संचित रखें, उसकी भी जरूरत पड़ती है हमको, तो ध्यान में रहे हम। आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे ज़्यादा दायित्व तो हमारा ही बनता है, जब कभी भी कोई रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो उस बिंदु को एक साथ में रखकर किसी सरकार के समक्ष किसी आयोग के समक्ष पेश करने का दायित्व तो हमारा ही है, तो इन सब का अध्ययन भी जरूरी है, और यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज से 20 साल पहले या 40 साल पहले हमारे जो अनपढ़ बंधु थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उन्होंने अपने बहुत सारे प्रयास किए, और उनके प्रयास के कारण 2-3 बार भारत के प्रधानमंत्री ने केवल अरबारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की, 3-3 दिन की। आज तो हम कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हमारे आने वाले बच्चों की भलाई के लिए। 1990 में भारत सरकार ने, और वो भी किसके कहने पर, हमारे बंधु जिनको कभी स्कूल नहीं गए थे बट उन्होंने अपनी बात अच्छे से इस प्रकार से रखी कि भारत सरकार ने उनके लिए 3 दिन की कार्यशाला आयोजित की, कभी जयपुर में गई, कभी हैदराबाद में गई, और उसमें जो भी बिंदु आए, जो उन्होंने सुझाव दिए, उसमें से हो सकता कुछ माने गए हो कुछ नहीं माने गए हो, पर हमको ख्याल तो रहना चाहिए कि हमारे पर किस किस की क्या क्या दृष्टि रही। ये दायित्व तो हमारा ही है, पढ़े लिखे समुदाय का है, इसको हम किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते, हम समाजशास्त्रियों पर शिफ्ट नहीं कर सकते, सरकार पर शिफ्ट नहीं कर सकते, ये दायित्व तो हमारा है, हम इसको ठीक से पढ़े अध्ययन करें। फिर उसके बाद में नई दशा और दिशा क्या हो उसके बारे में भी बात करेंगे। कंपटीशन एग्जाम के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपटीशन में डेडिकेशन, समर्पण, रणनीति, अनुशासन और निरंतरता, ये 4 पायदान हैं, इसमें से एक भी कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आज मेहनत करूँ, 2 दिन नहीं करूँ, या 6 महीने लगातार मेहनत करूँ फिर नहीं करूँ, वैसे नहीं चलता कंपटीशन में। ये एक कंटिन्यूटी मांगता है, समर्पण मांगता है, और साथ साथ में रणनीति मांगता है। ये सब मेरे में है, मैं कंटिन्यूटी तैयारी जब से लगा हूँ एग्जाम के कंपटीशन में तब से कर रहा हूँ, मैं समर्पित भाव से कर रहा हूँ, और मैं किसी प्रकार के दूसरे वातावरण से ऊपर उठ के कर रहा हूँ, मतलब सोशल मीडिया वगैरह वो सब बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो कर रहा हूँ तो मुझे सफलता मिलेगी, पर ये डिपेंड करेगी मेरी रणनीति पर कि मेरी रणनीति कैसे है। अब रणनीति क्या है, ये 4 शब्द ही है, मतलब एक शब्द है, बट इसको कैसे बनाना ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ मिलेगी रणनीति, कोई मार्केट में तो है नहीं, मैं बुक लाया
और उसको देख रणनीति के लिए आपको उसी क्षेत्र के जिस क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं, अभी कैप्टन साहब फौज का बता रहे हैं, तो आपको उस क्षेत्र का जो सक्सेसफुल सफल व्यक्ति है उसका इंटरव्यू समझना पड़ेगा, उसने किस प्रकार से पढ़ाई की, कौन कौन सी पुस्तकें जरूरी है और उस पुस्तक में भी कौन सा मटेरियल इम्पोर्टेंट है, वो सब समझना पड़ेगा। अदरवाइज कोटा में भी वही एनसीईआरटी की बुक और साइंस की बुक जितनी भी है लिस्ट दे देगा कोई भी इंस्टीट्यूट, पढ़ सकता है बच्चा घर पे। बट जो रणनीति के हिसाब से पढ़ाते हैं वो कि इस पोर्शन को आपको इतना पढ़ना है, इस पोर्शन को इतना पढ़ना है, इसको इस टाइप से समझना है और इसको आपको रटना है, इसको समझना कम है। तो ये जो है ये रणनीति है और रणनीति के लिए आपको दो तीन टाइप के सोर्सेज हैं उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे मैं